अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के हाल चाल है? ठीक है, तबीयत भी ठीक है। हम जा रहे हैं कलाम से जनाब ग्लेशियर की तरफ। ये कलाम से ग्लेशियर की तरफ अगर आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ात, ये जो पहाड़ देख रहे हैं कितने कमाल के हैं यार। ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, ये बर्फ़ से ढके हुए हैं पहाड़। ये ग्लेशियर हमने पढ़ा था क्लास 9th में, मुतालिया पाकिस्तान की बुक में हमने पढ़ा था। तो आज हमने ग्लेशियर देख लिया, तो हम अपने नाज़रीन को भी अपने ग्लेशियर्स की सैर करवा रहे हैं। आगे आपको जंगलात दिखाते हैं। ये देखें, ये जंगल है, उश यह वादी उश है। ये जब कलाम से निकलते हैं आगे तो उश है, ये उश से आगे है ग्लेशियर, ये उश जंगलात है। ये कलाम की तरफ ये देखें, अगर आप जंगलात देख रहे हैं तो ये दरख्त की खूबसूरती चेक करें, कितने प्यारे दरख्त हैं। इनकी ऊँचाई देखें, ऊँचाई बहुत ऊँची है। इनके अंदर से गुजरने का यार एक अलग से मज़ा आता है, यकीन करें कमाल हो गया है। कभी सोचा नहीं था कि हम इधर से गुजरेंगे और इधर से जाएंगे। बाकी ये बहुत मज़ा आया। ये स्कूल का ट्रिप था, मदीनातुल इल्म ग्रामर हाई स्कूल एंड साइंस कॉलेज, पुल बड़ागढ़, ज़िला ननकाना साहब की तरफ से। ये हमारे स्कूल की तरफ से ये छोटा सा ट्रिप था बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए जी। ये तो ये देख रहे हैं आप जंगलात, हम जा रहे ग्लेशियर की तरफ। ये हमारी आगे वाली गाड़ी भी हमारी स्टाफ की और स्टूडेंट साथ, और पीछे इसी में हम बैठे हुए हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये आप नज़ारा कर रहे हो, वो सामने देखेंगे हमने ग्लेशियर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आप पहले जंगलात देखें, कितने प्यारे जंगलात हैं यार, मज़ा आ जाता है यकीन करें। जब भी हम ऐसे कुदरत के, अल्लाह पाक की कुदरत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी दुनिया है अल्लाह पाक की ज़ात ने बना रखी। तो हमें चाहिए कि अल्लाह पाक की इस दुनिया का जो है वो नज़ारा करें, अल्लाह पाक की इस दुनिया को देखें तो मज़ा आ जाता है। ये देखें ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स हैं अगर आप देख रहे हो तो, ग्लेशियर्स कितने प्यारे हैं। ये देखें पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, पहाड़ों पे बर्फ़, यकीन करें यार मज़ा आ जाता है जब हम देखते हैं। ये देखें कितने प्यारे मौसम है, ओहो कमाल है यार, देखें पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, कितना प्यारा मौसम है। और ये रास्ते बहुत डेंजरस हैं, बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं, यहाँ से गुजरते वक्त एक दफ़ा तो इंसान के दिल धड़कता है कि क्या होगा क्या नहीं। वो देख रहे हैं आप जंगल पहाड़, ये पहाड़ों पे बर्फ़ है, ये कोई वैसे सफ़ेद पहाड़ नहीं है, ये बर्फ़ की वजह से पहाड़ ढके हुए हैं बर्फ़ के साथ। यहाँ का मौसम जो यहाँ का दर्जा हरारत है वो इस वक्त तो तकरीबन -3-4 के अराउंड बाउंड है, और रात को इसका अक्सर जो दर्जा हरारत है वो -9, 10, 11 तक चला जाता है। ये देखें, ये आप पहाड़ देख रहे हैं और कितना प्यारे यार, ये एक मंज़र ही मैं कहता हूँ कि दिलकश मंज़र होता है, मज़ा आता है देखने के लिए। ये आप देख रहे हैं, देखें ये हम वास्ता आस्ता जा रहे हैं वादिये ओश से आगे जनाब ग्लेशियर की तरफ। ये आप देख रहे हैं पहाड़ जो ग्लेशियर वो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, और ये आप देख रहे हैं कमाल का यार सीन है। सीन चेक करें आप पहले, कितना प्यारा सीन है। अगर ये देखें वो आगे, कमाल है यार, हकीकत वाली बात है, बहुत मज़ा आता है ऐसे जगहों पे चल के टूर करके एंजॉय करके। ये आप देखिए, ये दूर दराज तक आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं रहते, लोग यहाँ पे भी रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सारा कुछ है उनका मामूल भी, हमारे तरह के ये वो भी खाते हैं पीते हैं रहते हैं सारा कारोबार करते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वो लोग इधर एडजस्ट हो चुके हैं, उनको कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस माहौल में बहुत अच्छे से एडजस्ट है। और हमें इधर से जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है, क्योंकि हमें यहाँ के मौसम का पता नहीं होता, इसलिए अपने आप को उधर एडजस्टमेंट करना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम जा रहे हैं अभी भी ग्लेशियर की तरफ, अभी ग्लेशियर्स काफ़ी दूर है, तो हम जैसे पहुँचते हैं वहाँ तो आप नाज़रीन हमारे साथ हैं, तो हम आपको आज पूरे वादिये ओश से लेके कलाम ओश और ग्लेशियर्स की सैर करवा रहे हैं। यकीन करें अगर आप देखेंगे ना, ये तो अभी आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, वीडियो में आपको शेयर करवा रहे हैं, अगर आप लाइव यहाँ पे आके देखें तो यकीन करने मज़े ही और है यार, बहुत ही खूबसूरत है नज़ारे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेहरबानी। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेहरबानी हमें लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस तरह की और वीडियोस भी जो हैं वो आपके लिए ला सके। तो ये जी हम जा रहे हैं
अभी भी ग्लेशियर की तरफ, ग्लेशियर आगे अभी अभी हमसे काफ़ी दूर है। हम नहीं चाहते कि हम नाज़रीन को कोई भी मूवमेंट जो है वो मिस करें। हम चाहते हैं भाई लम्हा बा लम्हा हम एक एक तरंग के जो सैर है वो नाज़रीन को करवाते रहें, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो ये देखिए नाज़रीन, हम जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ नज़ारा करने के लिए, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो आपको कुछ और ही नज़ारा कराएंगे ग्लेशियर का, क्योंकि ग्लेशियर हो और आए हाय हाय क्या मज़ा यार। हम कोशिश करने कि ये देखिए, अगर आप नीचे देखें तो यकीन करें पहाड़ियों के नीचे देखते हुए इंसान का जो दिमाग है वो चकरा जाता है। कितनी नीचे नीचे पहाड़ियाँ हैं और हम कितने ऊपर आ गए, वो देखें ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं आपको। वो मंजर बहुत खूबसूरत है यार, जहाँ पे सारे पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, पहाड़ ना पहाड़ों पहाड़ ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे रुई के पहाड़ हों, सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद, और बर्फ़ इतनी साफ है कि कमाल का नज़ारा होता है यार। हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच रहे हैं ग्लेशियर्स के। ये देखें, ये लोगों की बस्तियाँ नज़र आ रही हैं आपको, घर नज़र आ रहे हैं, और यार इधर का तो आप मौसम देखें, यकीन करें ना कोई गंदगी, ना कोई आलूदगी, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा होता है, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं और मेहमान नवाज लोग हैं, इज्जत करते हैं लोग, और अपने आने वाले जितने भी हम इधर से गेस्ट जाते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा तावन करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये आप देख रहे हैं जनाब, ये जंगल जंगल है, और कैसा कमाल का जंगल है यार। अभी तो इधर मतलब कि धूप है ना, तो यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे धूप है, बेशक इधर धूप ही है, लेकिन ये धूप भी हमारी धूप से बहुत अलग है। हाँ, ये धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि हमारे यहाँ लगती है। तो ये लीजिए, हम पहुँच चुके हैं ग्लेशियर्स में। ये आप बर्फ़ देख रहे हैं, और कैसे लोगों के जो घर हैं वो बर्फ़ के साथ ढके हुए हैं ना, लोग नीचे बेचारों के घर देख रहे हैं आप, कितनी कितनी बर्फ़ है, छतें बर्फ़ के साथ ढकी हुई है। और जनाब यहाँ पर कुछ मुझे समझ ये नहीं आती कि यहाँ पे लोग गुजारा कैसे करते हैं। ये देखें, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और लोग नीचे हैं जनाब, उनके घर नीचे हैं और खुद लोग बर्फ़ में बेचारे ढके हुए हैं। और हम पहुँच चुके हैं ग्लेशियर्स में। तो आइए नाज़रीन, हम आपको झील दिखाते हैं। ये देखिए, ये झील है, इससे वादियों से आप दूर से देख रहे हैं कि बर्फ़ नीचे आ रही है, क्या कमाल का नज़ारा होता है। तो हम आगे वाली वीडियो में आपको ग्लेशियर्स की भी सैर करवाते हैं बर्फ़ की। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।